भले ही बाद में उनको लगता है कि सही दिया कि नहीं दिया, लेकिन एक बार तो दे लेते। तो आइए सभी मनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार नमो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आयो। कौन कौन चाहते जो भी मन में इच्छाएं हो आज महादेव जी से कह देना, पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियां एक साथ। कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार शरण तिहारी प्रभु तार तार तो भक्त कहते हैं क्या भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी शिव तूने निराश ना किया, माता किसी को चाहा वरदान दे दिया, माता किसी को चाहा वरदान दे दिया, चाहे वो रूप के माध्यम से हो, महल के माध्यम से, महल है, द्वारका है, बैकुंठ है, सब कुछ है भगवान के पास। रूप में देखो तो सोने के वस्त्र है उनके, पीतांबर है, मुकुट है, कुंडल है, मालाएं हैं, किसी को भी देखिए। पर महादेव जी को देखो तो
शरीर पर भस्म लगाते हैं, राखों का ढेर है, बांग धतूरा आसपास है, लेकिन ये बाहरी चीज है। भक्त क्या कहते हैं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, 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 लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लपटी भभूत में है खजाना वहीं रह गए। सुदामा जी केवल एक दिन द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगे बस एक दिन सुदामा रहे द्वारका में, बस एक दिन सुदामा गया। तो महाराज कृष्ण से जाकर कहना कि मुझे कंस ना समझे। आइए बातें ना करें, निवेदन है। भौमासुर ने कहा कि कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी के तो अच्छी बात है, वो तो देखेंगे कौन जीवित रहता और कौन नहीं। तो भगवान जाते ही युद्ध के लिए जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले भौमासुर के साथ एक और दैत्य था, मूर नामक दैत्य। तब से भगवान का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, मूर नामक दैत्य का उद्धार किया। तो भगवान युद्ध होता है, भगवान उसका वध करते हैं। 16,100 राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य वापस जाओ, राजकुमारियों ने कहा नहीं। वहीं रह गए। सुदामा जी केवल एक दिन द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगे बस एक दिन सुदामा